जिले के प्रवास पर पधारे भारतीय किसान संघ क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी का उद्बोधन प्राप्त हुआ, जिसमें संगठन की कई विषयों पर चर्चा की गई। वृक्षारोपण, बलराम जयंती, साथ ही साथ आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नई मंडी के प्रांगण में एक साथ 75 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही मंडी में चल रहे टीकाकरण अभियान में सभी किसान भाइयों ने बूस्टर डोज भी लगवाया। बैठक में प्रातः एवं तहसीलों से पधारे अध्यक्ष, मंत्री और किसान भाई उपस्थित रहे। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अबे ये फिर ने बताया भाई, बहुत देरी हो गई है, तो सभा के पास लगा चुके हैं, बारिश भी आने वाली है। ऐसा करें, आप इस साल छोड़ दें, अगले साल पानी चालू करवा दें, तो हमारी सरकार बात हो गई है, अगले साल से हमारा करते कपास, मक्का, मूंग सब लगता है। सरकार पानी को जल्दी छोड़ेगी। तो इस प्रकार की समस्याओं को, इस प्रकार की मांग को भारतीय किसान संघ समय समय पर किसानों के हित में, चाहे सरकार देश की हो चाहे देश की, सबके उठाया जाता है। और अब तो भारत नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी भारतीय किसान संघ का काम भी, हमारा नाम भी और हमारी योजनाएं भी दुनिया के देश किसानों को तैयार करते हैं। ये आने वाले समय में भारतीय किसान का काम धीरे धीरे भारत से बाहर भी होने वाला है। जहाँ जहाँ किसान है वहाँ किसान संघ का होना, ये तो रही अपनी आगे की योजना। उस बैठक के समापन के बाद हम सब इकट्ठे होकर के यहाँ मंडी के अंदर 73 पौधे लगाए गए आज। ये क्या है, ये स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की याद में लगाएंगे, आजाद हुए तो हल हो गए हमारे देश में। फिर आगामी कार्यक्रम में अपने प्रदेश के अध्यक्ष जिनमें आप लोगों को आना है, एक आने वाली 23-24 अगस्त को भोपाल में सेमिनार है, दो बिंदु उसके जंगल और जमीन, हमारी भूमि कैसी अच्छी हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।